भूतपूर्व सांसद और उत्तर मुंबई के जनसेवक सांसद रतन गोपाल शेट्टी ने कांदीवली पोईसर स्थित पोईसर जिमखाना में स्थानिक लोगों के साथ दिवाली मनाई और उनके साथ भोजन लिया। भाजपा कार्यकर्ता और जनता को संबोधित करते हुए गोपाल शेट्टी ने बताया कि कार्यकर्ता अगर जमीनी स्तर पर काम करे तो रास्ते से संसद तक की यात्रा संभव है। नेता बैनर पर चमकने से नहीं बनता, वह जन प्रतिनिधि जनता के बीच रहकर उनके कार्य करने से बनता है। बताना चाहेंगे कि नवंबर में हो रही महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में बोरीवली विधानसभा के लिए गोपाल शेट्टी का नाम जनता की मांग के कारण प्रमुख स्थान पर लिया जा रहा है और इस विषय पर उनसे प्रश्न करने पर गोपाल शेट्टी ने बताया कि वह 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं और विजयी भी हुए हैं और अगर इस बार भी पार्टी ने चाहा तो 8वीं बार भी चुनाव लड़ने के लिए सज है और चुनाव जीतने का विश्वास और बल भी रखते हैं। जगह ऐसी है जो अभी तक रोक के रखा गया है, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या नहीं? सिर्फ बोरीवली के नहीं तो मुंबई की 4 सीटों का घोषणा होना बाकी है। अब पार्टी है, पार्टी को बहुत सारे एंगलों को देखकर निर्णय करना पड़ता है। पार्टी करेगी निर्णय और जो कुछ भी निर्णय करेगी उचित करेगी, ऐसा हम सब लोगों ने मानना चाहिए। लेकिन जो कार्यकर्ता है उनका माहौल देखिए, जैसे आपकी इंटरव्यू बोरीवली का एक ही नेता गोपाल शेट्टी, क्या दिवाली आने वाले दिनों में फिर से दोबारा मनाई जाएगी बोरीवली में? दिवाली हर साल मनाई जाएगी बोरीवली में नहीं, पूरे देश में मनाई जाएगी। दिवाली तो हमारे देश की खूबसूरती है, ब्यूटी है, ये तो मनाई जाएगी और सब खुशी से मनाएंगे। और मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में कभी पार्टी भेद नहीं किया, भाषा भेद नहीं किया, कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए मैंने काम किया। मोदी जी ने 2014 में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, लेकिन मैं 1997 में जब दूसरी पहले चुनाव तो मैं फ्लुकली लड़ लिया, पार्टी ने बोला लड़ लो तो मैं लड़ लिया, कोई एजेंडा नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था। लेकिन मैं दूसरे चुनाव में मैं सबका सब मेरे ये घोषणा मैंने दिया और उस मुताबिक मैंने काम किया, उस मुताबिक मैंने लोगों को जोड़ने का काम किया, वो आज भी जोड़ रहा हूँ और वही नीति मूल्यों से मैं काम कर रहा हूँ। नामांकन के दिन बहुत कम रह गए हैं और सर सबसे ऊपर आपके नाम